उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मथुरा जिले के संगठन में मुकुंद मिश्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विघटन शुरू हो गया है। संगठन कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाकर संगठन से इस्तीफा दे रही हैं। शुक्रवार को संयुक्त जिला महामंत्री सहित 7 पदाधिकारियों संगठन मेल पर इस्तीफा भेजकर अपने आप को संगठन से अलग कर दिया। शुक्रवार को प्रदेश उद्योग व्यापार मथुरा मंडल के संयुक्त जिला मंत्री संजीव खंडेलवाल ने मथुरा गोवर्धन स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापारी मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में मुकुंद मिश्रा संगठन से जुड़े संयुक्त जिला महामंत्री संजीव खंडेलवाल, राजकुमार गोयल, जिला मंत्री ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जिला संगठन मंत्री गिरधर शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनील पाठक, पूर्व महामंत्री लक्ष्मीकांत खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन नगर चौधरी गोविंद सिंह संरक्षण गोवर्धन ने संगठन पर निजी स्वार्थ और व्यापारियों की रीति नीति से पूरे कार्य करने के आरोप लगाते हुए संगठन से इस्तीफा दे दिया है। संजीव खंडेलवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मुकुंद मिश्रा के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने निजी स्वार्थ में कार्य करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, वरिष्ठ पदाधिकारियों का इस पर ध्यान नहीं है। व्यापारी हितों को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने 7 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। क्या नाम है आपका? संजू लाला जी, संयुक्त जिला महामंत्री मथुरा। ये जो व्यापारियों को इस्तीफा देने का सिलसिला चल रहा है, क्या कुछ मामला है इसके पीछे? व्यापारियों ने जो सभी ने इस्तीफा सामूहिक रूप से दिया है, उसके मुख्य कारण हम व्यापारियों का हित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि हम चाहकर भी व्यापारियों का हित नहीं कर पा रहे हैं। हमने 2014 से नगर उद्योग व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष बना और 3 टर्म में व्यापार मंडल का गोवर्धन का अध्यक्ष रहा, लेकिन अभी कुछ महीने से जिला संगठन अपनी द्वेष भावना से कार्य कर रहा है और उसमें व्यापारी का हित से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि हम व्यापारी का हित उनके सानिध्य में रहकर के नहीं कर सकते, उनके साथ रहकर नहीं कर सकते। इसीलिए हम नगर उद्योग व्यापार मंडल से सभी पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों को, उस पदाधिकारियों से आपने इसकी शिकायत की गई? कई बार मैंने प्रांतीय पदाधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उनका ढुलमुल रवैया रहा, वो साधने में ही लगे रहे। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कुछ महीनों से कि जिला संगठन काम करने नहीं दे रहा है, इसमें अब घुटन महसूस होने लगी है। तो आगे कहीं किसी संगठन जाने का कोई विचार? अभी हम सभी पदाधिकारी एवं मेरे व्यापारी भाई, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।